ये तो हम जानते ही हैं कि नवरात्र का पर्व शुरू हो चुका है। बता दें आपको, नवरात्रि का त्यौहार पूरी तरह से माता रानी को समर्पित होता है। जी हाँ, नवरात्रि के दौरान माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को खुश करने के लिए व्रत आदि भी रखे जाते हैं। वैसे भी आपने अक्सर ही सुना होगा कि जब माता रानी की कृपा अपने भक्तों पर होती है तो उनकी झोली भर जाती है। अब पूरे 100 सालों के बाद माता रानी की कृपा अपने इन दो राशि वाले भक्तों के ऊपर हो रही है। चलिए आपको उन दोनों राशियों के बारे में बड़े ही विस्तार से बताते हैं। पहली राशि है कन्या। जहां एक तरफ आपको व्यापार में लाभ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आपको जीवन साथी का प्यार भी मिल रहा है। जी हाँ, इसके अलावा आपके जो भी काम लंबे समय से रुके हुए हैं वो भी माता रानी की कृपा से अब पूरे हो जाएंगे। बता दें आपको, माता रानी की कृपा से अब जीवन में आपको सफलता मिलने वाली है। इसी के साथ अचानक धन लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। दूसरी राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों की बात करें तो नवरात्रि के दौरान अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। जी हाँ, आपके जीवन में सकारात्मकता का वास होगा। इसके साथ ही आपको और आपके परिवार के जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, माता रानी की कृपा से उन्हें नौकरी भी मिल सकती है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।